शिव पुराण कहती है अतिथि आए ना सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सीओर वाले महाराज, बहुत दूर की बात, अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पढ़ना है, कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का कितना फैलारा फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैलारा ही फैलारा फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है, ये हमारे थोड़ी ना कर रहा है। महज भ्रम है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो, भ्रम है, भ्रम भ्रम।